नमस्कार किसान भाई। किसान भाई, आज किस वीडियो में आपको बताता हूँ झटका मशीन का करंट बढ़ाने का तरीका। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसका करंट कैसे बढ़ाएंगे पहले चेक करा देता हूँ, करंट कितना चल रहा है लाइव आपको बताऊंगा। कोई भी किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं है, यहाँ से चालू कर देते हैं। अब ये करंट चल रहा है, अब यहाँ से करंट चेक कर लेते हैं कितने दूर से चल रहा है भाई। करंट चेक करने का यही होता है सिस्टम, के करंट एक दूसरे तार को, दोनों तारों को एक साथ टकराते हैं। जितनी दूर से पटाखा बजता है करंट उतना तेज होता है। अब मैं यहाँ पर एक तार लगा देता हूँ, ये रहा रुकिए, ये लगा दिया। एक मिनट आराम से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको लाइव सही करके बताऊंगा। मैं देखिए तार कितनी पास लेगा तब पटाखा बज रहा है। अब इतनी दूर भी अगर मैं तार कर दे रहा हूँ तो पटाखा नहीं बज रहा है, तो ये बिल्कुल पास में करना पड़ रहा है मेरे को। अब इतना पास से करंट की आवाज़ आ रही है, तो कहने मतलब करंट बहुत कम है। अब मैं आपको इसको सही करके बताता हूँ। कोई इसको पहले कर देते हैं बंद। ये इसका ट्रांसफॉर्म होता है, इसका ये मदरबोर्ड कह सकते हैं, ये सेल है, ये बाकी यहाँ पर स्विचों का सिस्टम लगा हुआ है। हमें स्विच से नहीं पंगा लेना, ट्रांसफॉर्म से भी नहीं लेना, इस मदरबोर्ड में सिस्टम करना है। इसमें करंट, सॉरी फोन गिर जाता अभी, इसका करंट बढ़ाने के लिए इस मदरबोर्ड में ये जो पिन लगी हुई है, इस पिन को आपको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान है, एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। क्लॉक वाइज मतलब इस तरफ घड़ी चलती है, जैसे यहाँ से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें उल्टा चलाना है, उल्टा घुमाना है। इसमें हम ये लगाएंगे पिन। अब कितना घुमाना है, जितना करंट कम हो उस हिसाब से। अगर करंट इतना ज़्यादा कम है तो 4 से 5 6 7 घुमा सकते हैं। अगर करंट थोड़ा सा ही बढ़ाना है तो 2 से 3 बार ही करें। अब मैं आपको इसको घुमाता हूँ, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, 5 से ज़्यादा ना करें। अगर करंट हद से ज़्यादा है तो दो और आप घुमा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर करंट काफ़ी तेज़ है और फिर इसके साथ पंगा ना लें, फिर 1 से 2 बार ही घुमाएं। अगर करंट ज़्यादा तेज़ भी ना करें, नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्मर में दिक्कत आ जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाकी इन चीज़ों से आपको पंगा नहीं लेना है। बाकी यहाँ से ये चीज़ें सारी ऑन है, ये देख लीजिए, ऑन एक्स्ट्रा पावर ऑन है, 24 घंटे वाला ऑफ है, सॉरी 24 घंटे वाला ऊपर की तरफ है, 24 घंटे वाला ऑन है, ऑन अलार्म नीचे की तरफ है, यहाँ से ये ऑन है। और ये 5 एम्पियर का बैटरी चार्जर है, ये आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसको चालू करके बताता हूँ, करंट दिखाता हूँ कितना बड़ा है। ये चालू हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ करंट चेक करवा के। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले कितनी दूरी के ऊपर भी करंट नहीं मार रहा था, अब देखना, क्योंकि मशीन की आवाज़ भी चेंज हो गई है, मशीन भी काफ़ी। ये देखिए, कभी कभी कैमरे में ये क्या चिंगारी दिखती नहीं है। बाकी ये आपको इस चीज़ से अंदाजा लगाना है कि मैं तार कितनी दूर रख रहा हूँ, फिर भी ये देखिए मतलब करंट काफ़ी तेज हो गया है। बाकी आपको 2 3 चीज़ों का और ध्यान रख लेना है। तार जो आपकी तार गई हुई आगे खेतों के चार तरफ, वो कहीं लोहे के तार से या दूसरी तारों से टकरी भी ना हो, मतलब गिट्टी के सहारे ही लगी हो, ताकि किसी प्लास्टिक की चीज़ के सहारे, मतलब जगह जगह पे भी टक टक की आवाज़ आती है, तो उससे भी करंट कम होता है। तीसरी बात, अर्थिंग अच्छी रखें, अर्थिंग में पानी डालते रहें, नमी बनाए रखें, कोयला नमक डाल दें, नहीं डालना है तो पानी जरूर डालते रहें, नमी बनाए रखें, आपका अच्छी रहेगा। और अर्थिंग बनाते समय जैसे कोई लोहे का सरिया, उसको 7 5 6 फुट का, तो उसको हथौड़ी की सहायता से अंदर तक डाल दीजिए, 6 7 फुट तक, फिर पानी डाल दीजिए, फिर देखिए आपको 1 महीने तक भी पानी डालने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ऊंची अर्थिंग ना बनाए, गहरी बनाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो थी आज की इस वीडियो में, 4 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से आप एक झटका मशीन का करंट सही कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल हो कमेंट जरूर करें।